राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला बांसवाड़ा का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुशलगढ़ के लोकप्रिय नेता एवं पूर्व संसदीय सचिव भीमाबाई डामोर, विशिष्ट अतिथि कुशलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान कान्हिंग रावत एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कुशलगढ़ की CBO भीमजी सुरावत ने की। पंचायत समिति के प्रधान, हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, जो तमाम प्रकार के अधिकारी वर्ग जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनका एक संगठन है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, कि हमारे इस संगठन के नाम से पूरे प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में कोई संगठन दूसरा नहीं है। ये एकमात्र संगठन है जो राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला के नाम से जाना जाता है। यहीं से हमारी सांगठनिक भूमिका दिखती है, यहीं से हमारा संगठन दिखता है। इसमें कहीं तोड़ मरोड़ नहीं है, ना कोई अलगाव है और ना ही कोई भिन्नता है। ये एकमात्र संगठन है जो हमारे तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको निजात दिलाने के लिए आगे बढ़ता रहा है। और शैक्षणिक भूमिका के अंदर, चाहे अभी मैडम ने कहा था कि प्रबंधन में भी, विद्यालय प्रबंधन हो चाहे किसी भी प्रकार का, क्योंकि हम शिक्षा जगत से। हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भाई लाल सिंह जी सभी ब्लॉकों से पधारे हुए ब्लॉक अध्यक्षगण और पूरे जिले से पधारे हुए सभी हमारे व्याख्याता साथी, सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब हमारे इस कुशलगढ़ क्षेत्र में पधारे, क्योंकि अधिकांश लोगों को यहां आने का अवसर नहीं मिला होगा। हमारे वक्ताओं ने काफी बातें कही है संगठन को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, और सरकार का जो उद्देश्य है प्रत्येक साल इकट्ठे होकर के हम मंथन करें कि हम किस करने वाले, यही संसाधन है। ये आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी जो भी योजनाएं होगी उसको हूबहू धरातल पर हम लाएंगे, लेकिन हमारी जो पीड़ाएं हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, उनको आप आगे बढ़ाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है, हम एक दिन साहब के घर पे, संसदीय महोदय के निवास पे पहुंचे तो मित्रों आप, उन्होंने एक बात कही थी, ऐसे ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने किस्सा बताया था कि गुरुजी हम तो ऐसे क्षेत्र के निवासी हैं, अब जाके थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, नहीं तो पहले तो यहाँ पर कोई शादी करता था रिश्ता नहीं करने को तैयार था, रिश्ता नहीं करते थे, इतना जहां पर पीने को पानी नहीं होता था। तो ऐसे क्षेत्र से और जो नेता, जो जनप्रतिनिधि समस्याओं से रूबरू होकर के आगे बढ़ते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं, तो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको उसको जिया है, उन समस्याओं से वो रूबरू हुए हैं। तो आप ऐसी पीड़ाओं से गुजर करके आ रहे हैं जो जनमानस के लिए जो जरूरी है, जो कर्मचारियों के लिए जरूरी है, जो शिक्षा अधिकारियों के लिए जरूरी है, जो शिक्षा विभाग के लिए जरूरी है। क्योंकि आपको खुद को पता है कि मेरे गांव में जो लेक्चरर आ रहे हैं कितने हैं, वो संख्या में प्रिंसिपल है कि नहीं, और आपके बगल में जो CPO साहब बैठे वो भी हमारे प्रिंसिपल ग्रेड के हैं। तो ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा, प्रधान जी को भी अभी किसी कार्यक्रम में जाना है तो मेरी बात को यही विराम दूंगा। लेकिन मैं तो आपसे आश्वस्त होना चाहूंगा, करने वाले यही संसाधन है, ये आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी जो भी योजनाएं होगी उसको हूबहू धरातल पर हम लाएंगे, लेकिन हमारी जो पीड़ाएं हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, उनको आप आगे बढ़ाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है, हम एक दिन साहब के घर पे, संसदीय महोदय के निवास पे पहुंचे तो
मित्रों आप उन्होंने एक बात कही थी, ऐसे ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने किस्सा बताया था कि गुरुजी हम तो ऐसे क्षेत्र के निवासी हैं, अब जाके थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, नहीं तो पहले तो यहाँ पर कोई शादी करता था रिश्ता नहीं करने को तैयार था, रिश्ता नहीं करते थे, इतना जहाँ पर पीने को पानी नहीं होता था। तो ऐसे क्षेत्र से और जो नेता जो जनप्रतिनिधि समस्याओं से रूबरू होकर के आगे बढ़ते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं, तो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनको उसको जिया है, उन समस्याओं से वो रूबरू हुए हैं। तो आप ऐसी पीड़ाओं से गुजर करके आ रहे हैं जो जनमानस के लिए जो जरूरी है, जो कर्मचारियों के लिए जरूरी है, जो शिक्षा अधिकारियों के लिए जरूरी है, जो शिक्षा विभाग के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि मेरे गांव में जो लेक्चरर आ रहे हैं कितने हैं, वो संख्या में प्रिंसिपल है कि नहीं, और आपके बगल में जो सीपीओ साहब बैठे हैं वो भी हमारे प्रिंसिपल ग्रेड के हैं। तो ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा, प्रधान जी को भी अभी किसी कार्यक्रम में जाना है, तो मेरी बात को यही विराम दूंगा, लेकिन मैं तो आपसे आश्वस्त होना चाहूंगा कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के द्वारा रेसला संगठन के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष को पगड़ी माला एवं डायरी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही जिले के सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य एवं व्याख्याता साथियों को भी पगड़ी माला एवं डायरी देकर सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्याख्याताओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष पद पर राहुल पारगी निर्विरोध चुने गए, जिला मंत्री पद पर कैलाश चरपोटा तथा सभाध्यक्ष पद पर नरेश कराशिया निर्विरोध निर्वाचित हुए। सभी नवीन पदाधिकारियों को माल्यार्पण पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया तथा सभी ने यह शपथ ली कि एकजुट होकर संगठन के लिए काम करेंगे और व्याख्याता की समस्याओं का हल करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे।